सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें, ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर। नासा दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सबके सामने एक आदर्श मिसाल है। नासा हर साल अपने स्पेस स्टेशन से ढेरों मिसाइलें लॉन्च करता है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक अजीब वाकया सामने आया है जिसने नासा के सारे अधिकारियों को चौंका कर रख दिया। ब्रिटेन के एक किशोर लड़के ने नासा के वैज्ञानिकों को एक ईमेल भेजा और उसने बताया कि आपके कुछ डेटा में गलतियां हैं। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के मुताबिक माइल्स सोलोमन शेफर्ड में टेपटन सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स, रसायन विज्ञान और गणित की पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल की तरफ से IRIS द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट में वे हिस्सा ले रहे थे। इस प्रोजेक्ट में IRIS छात्रों को नासा में एकत्रित वास्तविक डेटा पर काम करने का एक मौका देती है। जैसा कि 17 वर्ष के स्कूल के छात्र ने देखा कि दिसंबर 2015 से जून 2016 तक रेडिएशन के आंकड़ों में कहीं कुछ गड़बड़ी है। आंकड़े नेगेटिव ऊर्जा के लेकर थे। नील ने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं होती है, जबकि नासा ने कहा कि वे सराहना करते हैं कि नील ने उन्हें किसी गलती होने पर सूचित किया। इटलस ओबुरा ने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन यह दुर्लभ है और इसलिए केवल बहुत ही कम अवधि में होने की संभावना है। मुख्य समस्या यह है कि जो आंकड़े नासा ने दिखाए थे उनके एल्गोरिदम थोड़े से ऊपर नीचे थे। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के अनुसार इस तरह की परियोजना से छात्रों नासा के बारे में अधिक रोचक बातें जानने को मिलती है। इस बीच नासा ने भी सोलोमन को आगे और कोई गलतियां हो तो बताने के लिए कहा और उन्हें अब उम्मीद है कि उनकी इस खोज से विद्यार्थियों को अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं।